बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके पास टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास 1 माइनस 1, ए बी और ए स्क्वेयर हमें दिए गए। हमने ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वेयर बराबर है ए डॉट ए की। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती है, एड होती है, और एड होकर हमारे पास स्क्वेयर बन जाएगा। सही है, तो हम ये चीज कह सकते हैं। तो फिर हम इसी के बिना पर हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे और हम लोग ए डॉट ए की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ये हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 1a - 1b ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 ये आ जाएगा। ठीक है, और प्लस -1 × a। ठीक है, फिर इसी तरह 1 × -1 और प्लस -1 × b। ये चीज आज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर इसी तरह a × 1 करेंगे। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा ना, पिछले वीडियोस के अंदर मैं सिखाता रहा हूं आपको। b × a and a − 1 + b × b, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 = 1। ये a स्क्वायर के बराबर है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, 1 × 1 + -a, a + ab, ठीक है, -1 - b और -a + b², ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर इसी तरह रहने दे और 1 - a आ जाएगा, -1 - b और a + ab, ठीक है, और -a + b², ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है। ए स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। ये ए स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, पुट कर दिया मतलब, और राइट हैंड साइड में हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, 1 - a - 1 - b, ठीक है, a + ab और हमारे पास -a + b². ये चीज आ गई। अब हम लोग इसको एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। सो 1 = 1 - a, ठीक है, एंड 0 = -1 - b, एंड 0 = a + ab, एंड 1 = -a + b². हम लोगों ने फर्स्ट को फर्स्ट के सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ को इक्वल कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस a को इधर रहने दे, ये 1 इधर, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 - 1 = -a और 1 - 1 = 0 कर लेंगे, तो a का आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1 को शिफ्ट करेंगे, 1 = -b और हम लोग पूरी इक्वेशन के साथ -1, तो ये -1 + b हो जाएगा। ठीक है, बी का आंसर -1 आ गया। ठीक है, इसको भी चले करके देख लेते हैं। हमने वैसे दो वैल्यू ही फाइंड करनी थी, a = 0 आ गया, ठीक है, और b = -1 आ गया। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और उधर a भी लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये चीज है, अब a भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके a को डिवाइड कर ली, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कट होगा, तो हमारे पास -1 = b आ जाएगा। b का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, इसी तरह इधर हम लोग इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 + a = b² और हम लोग यहाँ पे बी स्क्वेयर की वैल्यू को पुट कर लेंगे, 1 + a = -1² और -1² तो 1 ही होता है ना, सो हमारे पास यहाँ पे 1 और a = 1 - 1, तो a = 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी a और b का आंसर इक्वल आ गया, तो a = 0 आ रहा और b = -1, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बना लेंगे कि a = 0 and -1। सो आई होप आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, पूरी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट है, आप लोग अलग अलग वीडियो देखते जाएंगे। ठीक है, सो हर क्वेश्चन पे अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये, क्योंकि सर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें वही सिर्फ एक क्वेश्चन की जरूरत होती है, हमें मतलब या असाइनमेंट मिले होती या वो समझना होता, तो आप सर तो हमें इसीलिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फिजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।